हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारे पास है अप्सरा की चारकोल पेंसिल्स। इनको मैंने आज ही बाय किया है और ये मुझे अंडर 50 में ही मिली है। ये आपको नॉर्मल किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगी। तो आज इनको यूज़ करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। तो इन पेंसिल्स को मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अब इनसे भी ट्यूटोरियल आएंगे और हेयर बियर्ड कैसे ड्रॉ करें आदि। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। तो इसमें 3 पेंसिल्स है, एक मीडियम, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। सॉफ्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि ये तीनों में सबसे डार्क है, और मीडियम और हार्ड का कम यूज़ होगा। तो चलो इन पेंसिल्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो चलो पेपर की ओर चलते हैं। और अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो पहले सभी पेंसिल्स को शार्प कर लेते हैं, और मैं इनको शॉर्पनर से ही शार्प करूँगा क्योंकि कटर से शार्प करने से ये बीच से टूट सकती है। तो सभी पेंसिल को हमने शार्प कर लिया है, और अब बारी बारी से सभी का यूज़ करेंगे, शेड करके देखेंगे और ब्लेंड भी करेंगे। तो पहले मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। तो अब मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे और इसे भी इसी तरह शेड करेंगे। तो ये सॉफ्ट से थोड़ी हार्ड शेड हो रही है, जो आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट वाली ज़्यादा डार्क है और मीडियम वाली थोड़ी कम है, और हार्ड वाली उससे भी कम होगी। तो इसमें थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करना पड़ रहा है। अब हार्ड वाली का यूज़ करेंगे और इसी तरह से शेड करेंगे। मैं चारकोल पेंसिल का फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आगे भी इनके ऊपर ट्यूटोरियल आएंगे, और मैं इनसे भी पूरे फेस में शेडिंग और हेयर बियर्ड कैसे ड्रॉ करें बाकी के भी ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। तो अभी मीडियम के ऊपर थोड़ा शेड और करते हैं, ये थोड़ी लाइट लग रही है। तो अब इन सभी को ब्लेंड करते हैं, और मैं एक ब्रश का यूज़ करूँगा जो नॉर्मल ब्रश है। आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट वाली कितनी आसानी से शेड हो रही है और ज़्यादा डार्क एरिया ऑप्ट कर रही है। अब मीडियम वाली पे यूज़ करते हैं, और उसी तरह हार्ड वाली पेंसिल्स पर भी। अब मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर एक सेकेंड लेयर और ऑप्ट करूँगा। तो पहले सॉफ्ट वाले से करेंगे जिससे थोड़ी डार्क और हो। अब मीडियम का यूज़ करेंगे और वैसे ही शेड करेंगे, फिर हार्ड को भी इसी तरह से शेड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मीडियम और हार्ड में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करना पड़ रहा है, और सॉफ्ट में एकदम आसानी से डार्क एरिया ऑफ हो रहा है।
अब इनको वापस ब्लेंड कर रहा हूँ। अब टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करेंगे और हाईलाइट करके देखेंगे कि इनके ऊपर कैसी हाईलाइट होगी। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट चारकोल के ऊपर एकदम आसानी से हाईलाइट हो रही है। अब मीडियम के ऊपर यूज़ करेंगे तो मीडियम के ऊपर भी कोई ऐसा असर नहीं है, एकदम आसानी से हाईलाइट हो रही है। हार्ड के ऊपर भी ऐसा ही लगता है, तो हार्ड के ऊपर भी एकदम आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारकोल के ऊपर इरेजर का यूज़ कितनी आसानी से होता है और कितनी आसानी से हाईलाइट कर रहा है। तो आगे भी इनसे ट्यूटोरियल आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।